मौत खड़ी थी सिर पर, इसी इंतजार में थी, ना झुकेगा ध्वज मेरा 15 अगस्त के मौके पर। तू ठहर, इंतजार कर, लहराने दे बुलंद इसे, मैं एक दिन और लड़ूंगा मौत तेरे से। मंजूर नहीं है कभी मुझे झुके तिरंगा स्वतंत्रता के मौके पर। भारत के पूर्व पंत प्रधान, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की वजह से पूरे राष्ट्र में शांति है। आज हम उन्हें इस वीडियो के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे और वो पांच बातें देखेंगे जो वाजपेयी जी को अटल बनाती है। नंबर वन, न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण राजस्थान में 1998 में अटल जी की सरकार बने 3 महीने नहीं हुए थे कि अटल जी ने परमाणु परीक्षण का फैसला किया और तब अमेरिका इसके खिलाफ था। उनकी खुफिया एजेंसीज सैटेलाइट्स के माध्यम से हमारे परीक्षण के ऊपर निगरानी रखती थी। उसे चकमा देते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। फिर तब के यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन को वाजपेयी जी ने लेटर लिखा और कहा, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उस देश के खिलाफ नहीं होगा जिसकी भारत के प्रति बड़ी भावना नहीं है। और इसी बात के ऊपर मई 2018 में एक मूवी भी रिलीज हुआ था जिसका नाम था परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। नंबर टू, 15 अगस्त 2003 को अटल जी ने देश के पहले चंद्र मिशन जिसका नाम था चंद्रयान 1 की घोषणा की, जिसे 22 अगस्त 2008 में लॉन्च किया था। इस मिशन का काम चांद की परिक्रमा कर जानकारियां जुटाना था। इस यान ने चांद पर पानी खोजा जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी सफलता मानी गई। नंबर थ्री, 24 दिसंबर 1999 को आतंकी इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 814 प्लेन को हाईजैक कर कांधार अफगानिस्तान ले गए। इसमें 176 यात्री थे, 15 क्रू मेंबर थे। इसमें कारगिल में अरेस्ट हुआ मसूद अजहर और उसके दो आतंकियों को छुड़ाने के लिए इन आतंकियों ने प्लेन हाईजैक किया था। बड़े ही कठोर मन से अटल जी ने उन तीनों आतंकियों को कांधार ले गए और उन पैसेंजर्स को छुड़ाया। इस वजह से अटल जी पर तीखे हमले भी हुए। उन्होंने विनम्रता से सारे हमले अपने सिर ले लिए। ऐसा करने का रीजन ये था कि वो निर्दोष पैसेंजर्स की जान दाव पे थी, तो अटल जी ने ये निर्णय लिया। नंबर फोर, पाक सेना और आतंकियों की संयुक्त टीमें सीमा लांग कर कश्मीर में घुसी। अटल जी ने नवाज शरीफ को फोन कर समझाया भी, लेकिन बात नहीं बनी। फिर कारगिल युद्ध शुरू हुआ। भारत में मांग उठी कि सेना की सीमा लांग कर पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन अटल जी ने संयम रखा, घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। आखिर में पाक को हथियार डालने ही पड़े। एंड लास्ट, नंबर फाइव, गुजरात दंगों के दौरान तब सीएम रहे नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठकर बयान दिया, मोदी राजधर्म निभाए। ये बयान इसलिए अहम था क्योंकि दंगों के दौरान सरकार की भूमिका सवालों में थी। दूसरी ओर जब पूरी भाजपा अयोध्या में बाबरी विध्वंस का जश्न मना रही थी, तब अटल जी ने खुद को इससे अलग रखा, अपनी पार्टी के समर्थन में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अटल जी भारत के सबसे अहम पॉलिटिशियंस माने गए और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। अटल जी पॉलिटिशियंस होने के साथ साथ एक कवि भी थे और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने रची है। उनके शब्दों से उन्होंने लोगों के दिल में जगह बना ली थी। ऐसे जबरदस्त लीडर को हम याद रखेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। उनसे ही लिखी गई एक कविता जो राष्ट्र के ऊपर लिखी गई थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाओ के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन के शत शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना हो। सो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।